शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा। आप सब अपना अपना सामान बांध लो, हम कल ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हम अपने ही घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और रागिनी यही तो चाहती है। बस शट अप, मैंने बोल दिया कल हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। तुम अपना सामान बांध लो। निहार का जश्न मनाओ इस बारी से, या इस बात का जश्न मनाओ कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही पर अब कभी मिलेगी भी नहीं। उस रागिनी की वजह से सब बर्बाद कर दिया मेरा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बर्बाद कर दिया मुझे। वरुण बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, धोखा तो उस रागिनी ने दिया है। नहीं मम्मी, हम चाहे जितना मर्जी किसी और को दोष दे ले पर इसमें सिर्फ मेरी गलती, मेरी वजह से हमने घर खोए, मैंने अपनी नौकरी खोई और यहां तक कि हमने अपने परिवार को भी खो दिया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। क्या कर दिया मैंने कीर्ति, मैं अब खुद से नजर मिलाने लायक भी नहीं रहा, खुद से नजर मिलाने लायक भी नहीं रहा। घर के झगड़े रिश्तों से बड़े कैसे हो गए मां हमारे लिए, और इतने बड़े हो गए कि हमने अपने घर को ही छोड़ दिया। क्या कर दिया मैंने? कितना भला बुरा कहा, मैं घर का बड़ा बेटा हूं ना, ऐसे समय में मुझे मुझे अपने घर परिवार को संभालना चाहिए था। उल्टा अभय श्रद्धा और चाचू ने आके हमें जेल से निकलवाया, ये क्या कर दिया मैंने? वरुण जी नहीं, इसमें अकेले आपकी गलती नहीं है वरुण जी। पापा गलत नहीं थे कीर्ति, उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। उन्हें पता था कि मैं इस पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हूँ, वो तो मुझे चेतावनी देकर गए थे, तो मैंने अपनी जिद में उनकी एक नहीं मानी। आज देखो हम किस राह पे खड़े, अब हम क्या करेंगे कीर्ति? मम्मी हम कहाँ जाएंगे? बोलो ना कीर्ति, हम क्या करेंगे? कीर्ति अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हमें घर को छोड़े, वो सब बिखर गया, अपनों का साथ छोड़ गया, सब बिखर गया कीर्ति। भाई कितनी जल्दी तूने घर का इंतजाम कर दिया, मैं कैसे शुक्रिया बोलूंगा तुझे। हम पहुंच जाएंगे सुबह। हाँ हम सबके कपड़े पैक हो गए, सिर्फ तुम्हारा रहता है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, मैंने घर का इंतजाम कर लिया है और हम कल सुबह जा रहे हैं। रागिनी के लिए 24 घंटे में से 6 घंटे तो बीत चुके हैं और अभय कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कैसे मैं सबको मनाऊं? मनाए या ना मना पाए श्रद्धा अपने घर वालों को, अंत में हार तो उसी की होगी। मुझे बस यही देखना है कि मेरी खुशी किस जीत में होती है, श्रद्धा और पूरे परिवार के घर छोड़ के जाने की, या पूरे परिवार का मेरा नौकर बन के रहने। पता चल ही जाएगा, सिर्फ 18 घंटे तो बचे।
श्रद्धा, अरे हमारे कुछ आखिरी घंटे बचे हैं इस घर में और तुम चाहती हो कि हम कागज चबा के अपना पेट भरें? अब इन तस्वीर के टुकड़ों का क्या करना है? हाँ बेटा, हमारे आखिरी घंटों में ये सब क्यों? मेरी आप सबसे एक विनती है, एक बार इस तस्वीर को जोड़ कर देखिए। श्रद्धा, अब ये क्या नया तमाशा है? 10 चीजें हैं करने को, इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये तीनों तो हमने जोड़ दिए, मम्मी आप भी जोड़कर देखिए ना कि आपका क्या बनता है। इसके कुछ हिस्से नहीं है जिसके बिना ये तस्वीर अधूरी है। हाँ, वैसे ही जैसे हमारा परिवार इसके बाकी टुकड़े मेरे पास है। और इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए पूरे परिवार का जुड़ना जरूरी है। हमारा परिवार हमारी ताकत है। इस तस्वीर की तरह अगर एक भी हिस्सा अलग रहा तो हमारा परिवार अधूरा रह जाएगा और हमारे परिवार की ताकत हमारे घर की नींव है। और हमें रागिनी का सामना उसके सामने रहकर एक साथ करना होगा, नहीं तो हमारे घर की नींव को बिखरने से कोई नहीं बचा पाएगा। श्रद्धा, हम तुम्हारी भावना को समझते हैं, लेकिन तुम ये समझो कि हम इस उम्र में उस रागिनी की नौकरानी बन के नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी हम जहां भी जाएंगे तो पूरा परिवार तो एक साथ ही रहेगा ना। हाँ श्रद्धा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। और देखो, हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बार हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब से दिलीप भैया गए कुछ ना कुछ हो रहा है, अब और हमसे नहीं सहा जा रहा। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आज रात एक बार फिर से इस बारे में सोच लीजिए। और रागिनी ने अपना फैसला सुनाने से पहले हमें 24 घंटे दिए हैं ना। घर वालों का फैसला जो भी हो माता रानी, उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उन्हें सही निर्णय लेने में उन्हें शक्ति दीजिएगा माता रानी। अपना सामान ले, हमें निकलना है। नहीं अभय, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी ये जिद बंद करो श्रद्धा। आप सबने तो अपना फैसला ले लिया है ना अभय, तो मैं भी अपना फैसला सुना रही हूँ। ये मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हर चीज पे बहस करना जरूरी है क्या इरादा है? कैसे करोगी मुकाबला तुम रागिनी का उसकी नौकरानी बनके? मैं हार नहीं मानूंगी अभय। अरे कभी तो अपनी जिद के ऊपर सोचो श्रद्धा, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाली हो। श्रद्धा, हमने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन इस बार जो तुम कर रही हो वो बेकार का पागलपन है और कुछ नहीं। बुआ जी, मैं हमारे घर को अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी।
बेटा हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन हम सब साथ में हैं ना बेटा। हम लोग जहाँ भी जाएंगे वही हमारा घर होगा। नहीं पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अरे आपकी लाडली बहू कभी भी आपकी बात मानी है जो आज मानेगी? ठीक है, तुम करो जो तुमको करना है, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो बेटा। मम्मी, श्रद्धा अकेले यहाँ कैसे रहेगी? अरे देखना, ये ना उस रागनी के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगी, खुद लौट के आ जाएगी। चलो तुम चलो। परिवार ही हमारी ताकत है, हमारे परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। क्या हुआ, इतनी आसानी से टूट गया तुम्हारा परिवार? और वो सब तुम्हें यहाँ अकेले सड़ने के लिए छोड़ के चले गए? मैं अपने घर में हूँ रागिनी, और मेरे परिवार वाले इस घर से गए, लेकिन उनका प्यार और उनका आशीर्वाद अभी भी इस घर की दीवारों में बसा है, और वो तुम नहीं तोड़ सकती। 24 घंटे दिए थे ना तुमने फैसला लेने के लिए? मैंने अपना फैसला ले लिया है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। 24 घंटे में अभी 5 मिनट बाकी है, अपने आप को तैयार कर लो और नीचे आ जाओ। और हाँ, सर झुका के मेरी नौकरानी बनने के लिए। समय की बहुत पक्की हो तुम। शुरुआत हम स्टोर रूम से करेंगे, वहां एक ट्रंक पड़ा है उसे यहां लेकर आओ। और हाँ, ज्यादा वक्त मत लगाना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तो मैं आज ही तोड़ दूंगी श्रद्धा, वो ट्रंक तुम यहां नहीं लेकर आ पाओगी। We'll be right back.
जितनी मर्जी जोर लगा ले, फोन बंद कर ले, गायब होने की तैयारी कर ले, पैसा तो मैं तुझसे लूंगा ही, वो भी सिर्फ 2 दिन में। ऑफिस से एडवांस लिया है ना, अब फटाफट चुका दे। पीछे हट, धमकी किसे दे रहा है? मैं सब जानता हूँ ये किसके इशारों पे हो रहा है। उस रागिनी सिंघानिया के ना, अपना हिसाब किताब उनसे निपटाते रहना। मैं 2 दिन में वापस आऊंगा, पैसा तैयार रखना, वरना सारे तेरे घर के सामान के साथ में तुम सबको उठा के लेके जाऊंगा। इस रागिनी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो छोड़ दो ना, हार मान लो। बस इतने से ही हार मान जाए क्या रागिनी? इससे भी मुश्किल भरे पहाड़ चढ़े हैं हमने। लगता है तुम्हें हमारी ताकत का अभी अंदाजा नहीं हुआ है। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी रागिनी, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। तुम यहाँ पर आई हो ना हमारे लिए मुश्किलों के पहाड़ खड़े करने, तो हम भी तैयार हैं तुम्हारे इस अहंकार का पहाड़ तोड़ने के लिए। अभय आप देखिएगा, एक एक करके हम रागिनी से अपना सब कुछ वापस लेंगे। अच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, रागिनी को तो जीतने नहीं देंगे। रागिनी, रागिनी बाहर निकलो। सब कुछ तो छीन लिया तुमने हमसे, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मेरे घर में मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझे? शेरा। यस मैम। अभी के अभी इस कचरे को मेरे घर से बाहर निकालो। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।